नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी डी इंडिया न्यूज। देश की स्वर कोकिला लता मंगेशकर का आज निधन हो गया। लता मंगेशकर की हालत बेहद गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें दोबारा वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया था। कोरोना संक्रमित होने के बाद उन्हें 8 जनवरी को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 92 साल की लता ताई तभी से आईसीयू में थी। डॉक्टरों के मुताबिक बीच में उनकी हालत में सुधार हुआ था, लेकिन अचानक तबियत बिगड़ने पर उन्हें 5 फरवरी की सुबह वेंटिलेटर पर रखा गया था। इस घटना से पूरे देश में शोक की लहर है। बता दें कि 29 जनवरी को लता मंगेशकर को वेंटिलेटर से हटा दिया गया था, लेकिन अब भी वो आईसीयू में थीं।